नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिणुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्द यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता परम आनंदमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य यजमान सहित समस्त सुधिजन अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन भगवत चरणानुरागिनी भक्तिमती माताओं स्नेही बहनों परमात्मा की अनुकंपा से हम लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आइए मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। अधरं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रचनं मधुरं मधुराधिपते रचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं पलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुरं
आशीर्वाद करते Yeah.
भगवत विषयक कार्य, भगवान के विषय में जो कार्य हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है और सब लोग इसमें व्यस्त हैं। भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उनकी जो पावन गाथा है, अद्भुत, अलौकिक और मनोरम है। भगवान अपने अनुजों के साथ अवतरित हुए, माताओं को सुख दिया और जातकर्म आदि संस्कार संपन्न कराए। गुरुदेव वशिष्ठ मुनि आए, वशिष्ठ मुनि तो बहुत प्रसन्न हुए। राजा की खुशी का क्या कहना है। दास दासियां यत्र तत्र घूमने लगी सामान लेकर स्वागत में। भगवान अपने बाल लीला में ही सबको सुख देते। भगवान शिव भी आए थे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। कहना जितने अवतार होते हैं उन सभी का दर्शन एक बार महादेव करते ही हैं। अयोध्या भी पहुंचे, माताओं ने सिद्ध महात्मा समझ के बड़ा सम्मान किया, स्नान कराया, भोजन कराया और फिर महादेव ने भविष्य वाचन किया। राम जी का पूरा भविष्य बता दिया माताओं को। श्री राम विवाह तक की गाथा बताई थी, उसके आगे की कथा शिवजी ने भी नहीं बताई। माताओं को बड़ी उत्सुकता रहती है कि हमारे लाला का विवाह कैसे होगा, तो शिवजी ने बता दिया कि बस इतना समझो कि विश्वामित्र मुनि यदि लेने के लिए आ जाए तो समझना शुभ संकेत है और तब विवाह का समय आ जाएगा। अयोध्यापुरी अत्यंत सुंदर सजाई गई, भगवान के नामकरण संस्कार संपन्न हुए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। चारों भाइयों का क्रमशः नाम रखा। भगवान गुरुगृह में गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, शीघ्रता से सारी विद्याएं प्राप्त करके आए। और यह संदेश दिया कि किसा कैसा भी व्यक्ति हो जाए, पढ़ने के लिए गुरु के गृह में जाना चाहिए। एक रावण भी था जो पढ़ने के लिए गुरुकुल नहीं गया, गुरु जी को अपने यहां बुलवाया। हाँ, ब्रह्मा जी पहुंच कर लंका में जाकर वेद पढ़ावे, वेद उच्चारण करे, शिव जी पहुंच कर पूजा लें, ऐसा आतंक बनाकर रखा था। तो वो विद्या आपको अहंकार पैदा करेगी, अभिमान उत्पन्न होगा उस विद्या से। लेकिन गुरुगृह, गुरु के घर में जाकर उनके चरणों में बैठकर सेवा करके जो विद्या आप प्राप्त करेंगे वो विद्या फलीभूत होगी। क्योंकि अभिमान तब दूर होगा जब आप गुरु से नीचे बैठेंगे। राम जी गुरु के चरणों में बैठते, गुरु की सेवा करते। जिनके चरण सरोरुह लागी, जिन
स्पष्टता लाइए, शोर नहीं चाहिए मुझे। आप कान में लीड लगाकर सुनिए कौन सा वाद्य ज्यादा बज रहा है, इसका ध्यान रखिए। स्पष्टता चाहिए। जिनके चरण सरोरुह लागे, जिनके चरण कमल के लिए, योगी मुनि जन, योगी जन ध्यान धरते हैं, उपासना करते हैं, तप करते हैं, ऐसे पावन चरण कमल के, जिनके चरण कमला के कर से निकलते न देखा, जिनके चरण कमल कमलाते कर से न निकलते देखा, वैसे प्रभु भगवान गुरु के चरणों में लेट लेट कर प्रणाम करते हैं। क्या संदेश दिया है। गुरु गृह से जब लौट कर आए तो यहां पर प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा, प्रभात होते ही जगते ही सबसे पहले माता पिता गुरु को वंदन करते। जब दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है जब आपको 12 बजे में पिताजी का दर्शन हुआ तो 12 बजे में भी आपको जय श्री कृष्ण कहना ही चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए। जगने के बाद प्रथम दर्शन जैसे होता है तो ओम नमो नारायणाय हम लोग की परंपरा में है। संतों को देख करके प्रणाम करना, माता पिता गुरु को प्रणाम करना, कुछ दिन तक तो लगता है कि ये औपचारिकता है लेकिन बाद में ये अभ्यास हो जाता है। आयस मान कर ही पुर काजा, आज्ञा मांग करके जगत के कार्य करते हैं, नगर के सब कार्य करते हैं। राम जी का स्वभाव इतना सुंदर है कि समाज के लोग आकर के दशरथ जी से कहते हैं कि महाराज आपको क्या बताऊं, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम लोग के घर में कोई फंक्शन हो, विवाह हो बेटी का भी बेटा का, तो निमंत्रण कार्ड लाते और चुपके से आपके सिंहासन के पास रख कर चले जाते, आपसे हम लोग कहने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि हम आपका स्वागत नहीं कर पाते और आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपसे तो कहते नहीं। परंतु ये राम जी आहा, इनको कहना नहीं पड़ता, इनको मालूम होना चाहिए खाली, और ये चले आते अपने भाइयों के साथ और सेवा में लग जाते, ऐसा लगता है इनकी ही बहन की शादी हो रही है।
ऐसा स्वभाव है हमारे राम जी का। नगर के लोग जब प्रशंसा करते हैं तो दशरथ जी फूले नहीं समाते, खूब खुश होते हैं। बालकों के साथ इतना प्रेम करते हैं, मित्रों के साथ मित्रता निभाते हैं। एक बार राम जी खेल रहे हैं बच्चों के साथ, दशरथ जी ने बुलवाया, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आए। कौशल्या से कहा कि तुम बुलाओ। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई, और दूर चले गए, नहीं आए। तब निगम नेत जसु अंत न पावा, ताही धरे जननी हटि धावा। हाँ, अब माने जननी है जाननी, महारानी आई थी तब भी नहीं, राजा ने बुलाए तब भी नहीं आए। आ तो गए, दशरथ जी बैठे हैं ऐसे भोजन करने के लिए, राम जी को गोद में बिठा रहा है, दोनों तरफ से हाथ से लॉक कर दिया कहीं भाग न जाए। प्रभु को मन में एक बात का अफसोस है कि हमारे अन्य सारे मित्रों को भोजन के लिए क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि भोजन का वक्त हुआ है तो सभी के लिए हुआ है, केवल मुझे भोजन के लिए क्यों बुलाया गया। इस बात से राम जी दुखी रहते और एक ग्रास राम जी को दिया, दूसरे ग्रास के लिए दशरथ जी खुद जब अपना हाथ उठाए, देखा कि रास्ता मिल गया, भाग गए। दधि ओदन लपटाए, भागे नहीं, रुके। ये स्वभाव है राम। और जब राम जी राजा बने थे तब बताओ, अनुजन संयुत भोजन कर ही, पहला काम यही किया अपने अनुजनों के साथ। अनुज अनुजन जो अनुयायी है, प्रेमी है, सबके साथ बैठ करके भोजन ही करते, सबके साथ बैठ कर ही भोजन करते। आपको बता दें जगत में पांच चीज बहुत दुर्लभ है, याद रखने योग्य बातें। क्या? जननी जन्मभूमिश्च, मां जन्मभूमि, जानवी च जनार्दन, जानवी गंगा जल दुर्लभ है, और जनार्दन की भक्ति, भगवान की भक्ति दुर्लभ है। जननी जन्मभूमिश्च, जानवी च जनार्दन, और क्या दुर्लभ है? बोले जन्मध्ये च भोक्तव्यम्, जकारः पंच दुर्लभः। ये पांच, जननी यानी मां, जन्मभूमि जानते ही आप भारत देश, और जाह्नवी गंगा जल जिसके सेवन के लिए हम लोग यहां हरिद्वार में डेरा डाले हैं, और जनार्दन की भक्ति, भगवान की भक्ति, भागवत भगवान की भक्ति, गोपाल कृष्ण की भक्ति, और जनमध्ये च भोक्तव्यम्, समूह में भोजन करने का सौभाग्य, यह बहुत दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता। बड़े भाग्यवान है वो जो पूरे परिवार के साथ बैठ करके भोजन करते हैं। राम जी एक दिन बहुत राजा बहुत प्रसन्न थे, घर में चर्चा हो रही थी, तभी संदेश मिला कि महाराज विश्वामित्र पधार रहे हैं। विश्वामित्र को चिंता हुई कि अब जो है भगवान के बिना इन पापियों का नाश कौन करेगा। विश्वामित्र मुनि यज्ञ के लिए दीक्षा लिए हैं, इसलिए किसी को श्राप नहीं दे सकते, किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, नियम से रहते हैं, परंतु असुर आकर के यज्ञ को भंग कर देते हैं।
गाधी तनय मन चिंता व्यापे, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। आए अयोध्या, कहने लगे महाराज दशरथ जी ने स्वागत किया, पूछा तो उन्होंने मांगा कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। सुनते ही राजा, मानो राजा की तो सब कुछ सारी संपत्ति चली गई, उसने कहा कि महाराज आप चाहे तो मेरे प्राण ले लें, लेकिन राघव देत नहीं बनत गोसाई। अरे प्राण दे सकती हूँ, श्री राम क्यों नहीं दे सकते? बोले ये प्राण नहीं, ये तो प्राणनाथ है, मैं श्री राम को नहीं दे सकता। महाराज कुछ और मांग लीजिए आप। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। यह दान ना, यह दान मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, विश्वामित्र मुनि के साथ में रास्ते में अहल्या का उद्धार किया, ताड़का का संहार किया, विराद को मारा और आगे बढ़े, जनकपुर में पहुंचे, मिथिला में जाकर धनुष यज्ञ को संपन्न कराया और फिर शतानंद जी के संदेश पा करके महाराज जनक ने अयोध्या में निमंत्रण भेजा और अयोध्या से बारात सजकर मिथिला पहुंची है और वहां धूमधाम से चारों भाइयों का विवाह हुआ और विवाह करके किशोरी जी को लेकर के अवध पहुंचे। अयोध्या में 12 वर्ष तक भगवान निवास किए हैं। जब समाज में चर्चा होने लगी अब राम जी को युवराज बना दिया जाए, हाँ, एक दिन दशरथ जी का मुकुट झुक गया सभा में। जैसे मुकुट झुका तो लोगों ने दशरथ जी को दर्पण दिखा दिया। चाहते तो कोई जाकर सीधा कर सकते थे, लेकिन दर्पण दिखाया। इसका मतलब जानते हैं, ये समाज केवल दर्पण ही दिखाता है, कोई किसी को मुकुट सुधारता नहीं है। आप यदि फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, नुकसान में हैं, तो कोई केवल आपको बता ही सकता है, संभालता नहीं जल्दी कोई। समाज ने दर्पण दिखा दिया, महाराज अब आपसे संभल नहीं रहा मुकुट, किसी को दे दो। दशरथ जी ने भी ठान लिया कि अब राम जी को युवराज बना देंगे और हम भजन करेंगे पति पत्नी। गुरु के पास निवेदन किया, गुरु जी ने कहा कि मुहूर्त क्या पूछ रहे हो, मुहूर्त तो 14 वर्ष के बाद है, अभी नहीं है, तब तक आप रहने वाले नहीं है। वशिष्ठ मुनि सोचा कि शायद कुछ प्रयास कर ले, विधि के विधान को पलट दें, दशरथ जी राज्याभिषेक देख ले अपने आंखन से, और बोले कल ही कर दो। रातों रात पूरी तैयारी हुई, देवताओं की आपातकालीन बैठक, ये तो अनर्थ हो गया, राम जी आए थे हमारा भला करने, या तो अयोध्या में राजा बनेंगे फिर तो कल्याण होना ही नहीं। सरस्वती की सहायता से
मंथरा की बुद्धि पलटी गई, रातों रात में सब चेंज हो गया। प्रभात होते ही राम जी वनवास के लिए तैयार हो गए। राम जी वन के लिए प्रस्थान किए। किस लिए वन के लिए गए? एक तो माता कैकेयी की इच्छा, पिता का वचन का संरक्षण, और अपने भक्तों को सुख देने के लिए प्रभु वन में सिधारे हैं। संत भगवान के बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का इस पुनीत स्थान में और भी पवित्र करने हैं, तो पधारे परम पूज्य स्वामी श्री 1008 अवधूत भगवान श्री नर्मदानंद जी बाप जी की जय हो, जय हो, जय हो। हम हृदय से और मन की गहराई से स्वामी जी का वंदन करते हैं, स्वामी जी का चरण स्पर्श। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि इधर माँ गंगा और उधर माँ नर्मदा से पधारे हुए हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने आपको दर्शन दिया है। तो एक बार जोरदार ताली स्वागत करें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। माँ गंगा की पावन की धारा और माँ नर्मदा की पावन धारा और इधर भागवत ज्ञानी यज्ञ की धारा, तीनों त्रिवेणियों का संगम हो गया यहाँ पर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हमारे परम प्रीतम पधारे हैं, मैं तो बहुत खुश हूं स्वामी जी को प्राप्त करके, मैं कृतकृत्य हूं। मैं आपको बताता कि भाई संतों की बड़ी कृपा रही है। स्वामी जी के सानिध्य में अनेकों कथाओं को संपन्न किया है। अभी यहाँ के तुरंत बाद पुरी में जगन्नाथ जी में कथा थी स्वामी जी के सानिध्य में। वो तूफान आया, फोनी तूफान, जिसकी वजह से वहाँ बिजली पानी सब खत्म हो गया, और वह कथा दिसंबर में अब चली गई। तो जो भक्त पुरी की कथा में सम्मिलित होना चाहते तो दिसंबर के लिए तैयार रहना, स्वामी जी के पावन सानिध्य में वहाँ भागवत कथा होगी। और स्वामी जी की कृपा बहुत है, जैसे स्वयं विरक्त दिखते हैं वो विरक्त वैसे है भी। आपने स्वामी जी के बहुत सारे कठोर नियम हैं, लेकिन हृदय उतना कठोर नहीं है। हृदय इतना सुकोमल है, सबके लिए स्थान है। एक बड़ी नियम है जो आप लोग भी पालन करना, माताएं 10 हाथ दूर रहना, जो भी महिलाएं माताएं हैं 10 हाथ दूर रहना, बस उस दूर से ही ओम नमो नारायण है चाहे जय गुरुदेव जो आप कह सके वो कहना, निकट आने का प्रयास नहीं करना। ये तो कठोरता से पालन करते हैं। तो मैं एक बार उज्जैन में जब कथा चल रही थी तो मैं सोच रहा था स्वामी जी महिलाओं को इतना दूर रखते हैं तो स्वामी जी की कथा में महिलाएं आती होगी कि नहीं आती होगी, ऐसा मेरे मन में चला। और जब मैं स्वामी जी के कथा में गया वहाँ देखा तो पूरा पंडाल महिलाओं से ही भरा हुआ था। तो ऐसा नहीं है प्रेम। घागर दिशों में जीवन, घागर दिशों में जीवन, उलझा हुआ चमन था। घागर दिशों में जीवन, उलझा दर्शन हुआ जो आपका,
दर्शन हुआ जो आपका, आगर दिशों में जीवन हाल जिंदगी थी, परेशानियां थी दिशों में जीवन बेहाल जिंदगी, दर्शन हुआ जो आपका, दर्शन हुआ जो आपका, मौसम बदल गया पागल के प्यार आपका, जीवन बदल गया पागल के प्यार आपका, जीवन बदल गया। सद्गुरुदेव भगवान को तपा रही संसार की हवाएं, मुझको तपा रही विषयों की आग हरदम मुझको जला रही थी, विषयों की आग हरदम मुझको जला रही थी, शीतल हुआ है जीवन शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन शीतल हुआ है जीवन, जब तू बरस पागल के प्यार आपका, जीवन बदल गया पागल के प्यार आपका, जीवन बदल गया। ओ तन का रहा न होश रे, तन का रहा न होश रे, मन भी दौलत मिली है प्यार की, दौलत मिली है प्यार की, धनवान बन गया पागल के प्यार आपका, जीवन बदल गया पागल के प्यार आपका, जीवन तनिका रहा न हो से, मेरा मन बदल गया पागल के प्यार आपका, जीवन बदल गया पागल के प्यार आपका, जीवन बदल गया जीवन बदल गया।
स्वामी जी का प्रेम पा करके मुझे बड़ा आनंद आया है। भगवान करे ऐसे ही जीवन की यात्रा चलती रहे। बहुत प्रसन्नता है, कृतकृत्यता है जीवन में। राम जी विश्वामित्र मुनि के साथ बहुत प्रसन्न है। अयोध्या में राम जी राजा नहीं बने, भरत जी के लिए राज्य छोड़कर वन गए। वन में संतों को सुख दिया, ऋषियों मुनियों के आश्रम में सकल मुनिन कर आश्रमन, जाए जाए सुख दिन। वन में किशोरी जी का रावण के द्वारा हरण, उनकी खोज के लिए लक्ष्मण जी के साथ में प्रयाण किया आगे, और शबरी के आश्रम में जाकर भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति प्रिय है, भगवान ने ये शिक्षा दी। जटायु का जो त्याग है उसके लिए भगवान ने कितना महत्व दिया। पिता को जो गति देनी थी वो गति जटायु को प्रदान की। पिता का श्राद्ध कर्म अपने हाथों नहीं किया, भरत जी के हाथों करवाया, लेकिन जटायु का श्राद्ध अपने हाथों करते हैं भगवान। ये है त्याग। जो आपके लिए त्याग करता है आप उसका ख्याल जरूर रखें। इतना ही नहीं, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी के साथ में मिल करके बाली का वध करके बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया, और वहाँ उनको साथ में लेकर श्रीलंका के लिए प्रयाण किया। विभीषण के साथ की शरणागति हुई और श्रीलंका में युद्ध करके सकुल रावण का संहार करके अयोध्या वापस आए और यहाँ धर्म की स्थापना किया है। राज्याभिषेक हुआ है प्रभु का और यहाँ धर्म की स्थापना। मिथिला में जब तक रहे तो सज्जनों और विश्वामित्र मुनि के साथ में जा करके यज्ञ की रक्षा की, संतों की रक्षा की, साधु की रक्षा की, वहाँ संहार किया दुष्टों का श्रीलंका में, और भारत में आकर अयोध्या में धर्म की स्थापना की। तीनों उद्देश्य की पूर्ति हुई। राम जी की लीला परम्पार है। श्री राम कथा 9 दिन तक चलती है और भागवत कथा 7 दिन तक चलती है। इसलिए श्री राम कथा तो सुनना हो तो स्पेशल 9 दिन का प्रोग्राम हो तो उसका आनंद आता है। इस बार चित्रकूट में श्री राम कथा का निश्चय हुआ है। एक सितंबर से चित्रकूट में वहां दोनों वक्त कथा होगी स्पेशल। श्री रामोतार मित्तल जी और वासुदेव जी मिलकर के वहां आयोजन कर रहे हैं। तो श्री राम की जो गाथा है उनकी कथा भी अनंत है और वो भी अनंत है। राम अनंत अनंत सुखराशि। आइए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, उनकी गाथा को प्रणाम करते हैं। भगवान यहाँ बहुत काल तक रहे, 11,000 वर्ष तक राज्य किए, पश्चात अपने सारे अनुजनों को लेकर के साकेत धाम पधारे। और आगे हम चंद्रवंश की बात करें, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि के पुत्र हैं चंद्र। यही चंद्र से चंद्रवंश का प्रारंभ होता है और इस वंश में भी अनेक महापुरुष हुए हैं। राजा यदु, ययाति, पुरु, और सबसे बड़ी बात है कि इसी वंश में हमारे गोविंद का अवतरण हुआ है। मथुरा के राजा उग्रसेन है, उग्रसेन के भाई है, उसका नाम है देवक, देवक की पुत्री देवकी।
उग्रसेन का एक पुत्र है, नाम है कंस। कंस आसुरी छाया आ जाने की वजह से, जो उग्रसेन की पत्नी है ना, कंस की माता, वह ऋतुमती से शुद्ध होने के बाद, जब शुद्ध होती है ना, शुद्ध होने के बाद वो भ्रमण करने के लिए कहीं चली गई और एक असुर की छाया आई। उसके मना करने के बाद भी असुर के साथ उसका संबंध हो गया। मायावी था, राक्षस था, यद्यपि उसने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं, परंतु उसने कहा कि मैं तुम्हारा सब कुछ, और ऐसा पुत्र होगा जो तीनों लोकों में विजेता होगा। उसको ज्ञान था। आसुरी छाया आ जाने से उसके जो गुण हुए कंस के, वो आसुरी प्रवृत्ति के हुए। बलवान तो बहुत था, इतना बलवान था कि उसने दिग्विजय में तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित किया, भारत ही किया, स्वर्ग पर भी चढ़ाई किया था। एक बार तो कंस भगवान विष्णु पर, उनको वहां तक पहुंच गए कि उनको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो तो कंस के मन में ही छिप गए। ये जो कंस है, ये देवासुर संग्राम जब हुआ था सागर मंथन के बाद, उसमें एक कालनेमी नाम का राक्षस था जिसको भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, मार दिया था। लेकिन पुनः दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे जीवंत कर दिया। उसने जाकर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि मैं त्रिकाल जयी हूं और त्रिलोक जयी हूं, हो जाऊं, युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तुम्हारी कामना पूर्ति नहीं होगी, तुम श्री कृष्ण अवतार में द्वापर के अंत में आना और वहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तब वही कालनेमी इस बार कंस बन करके आया और इन्होंने अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से अघासुर, बकासुर, धेनकासुर, प्रलंबासुर आदि अनेक असुरों को, यहां तक कि पूतना को भी जीत के ही लाया था। पूतना बकासुर की बहन लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। बड़ी बुद्धिमानी से कहा कि देखो तुम स्त्री हो, लड़ने के बजाय हम दोनों भाई बहन बन जाते हैं और आओ वहीं रहनेंगे। जीत करके सबको लाया। आखिरकार इसने अपने पिता को ही बंदी बनाकर स्वयं राजा बन गए। लेकिन इनका राज्य करने का, शासन करने का जो तरीका था वो सही नहीं था। लोग इससे दुखी हो गए। तब इनको लगा हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए, तो चचेरी बहन देवकी का विवाह आनक दुंदुभि वसुदेव जी के साथ में, जो उन्हीं के उग्रसेन के मंत्री हुआ करते थे, उसके साथ में धूमधाम से विवाह किया। विवाह के बाद बहन को लेकर के जा रहे थे पहुंचाने के लिए, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम जिसे अपनी बहन समझकर सेवा में लगे हो, इसी का आठवां गर्भ एक दिन तेरा काल बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनना था कि खड़ा हो गया, तलवार निकाल लिया, बहन के बाल पकड़कर खींच लिया। ना बहन रहेगी, ना इसका आठवां गर्भ होगा, ना मेरा काल आएगा। वसुदेव जी ने कहा कि मित्र, ये क्या करते हैं आप? अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है राजन, और मृत्यु की बात करते हैं, दुनिया में कौन है जो अमर हुआ है? राजन, मृत्युर जन्मवताम वीर देहीन सहजायते अद्य वा शताब्दांते वा मित्र वे प्राणिनाम ध्रुवम। आज मरे चाहे अब्द शतांत में, 100 वर्ष के बाद मरे, मरना तो निश्चित है। जब आदमी का जन्म होता, एक नई बात कह दी,
उसी दिन उसके साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है। आदमी बढ़ता है, मृत्यु भी बढ़ती रहती है। एक दिन आदमी कमजोर होता है, मृत्यु उसे दबोच लेती है। राजन, रही बात हम वचन देते हैं इसके आठवें गर्भ को तुम्हारे हवाले कर देंगे, मार देना, बहन को मार करके तुम पाप के भागी बनोगे। डर गया, छोड़ दिया, कारागृह में रखा। प्रथम संतान हुई है, बेटा हुआ। उस पुत्र को लेकर आए, वसुदेव जी ने कंस के हाथ में रखा कि ले लो, अब तुम्हारी इच्छा जो हो करो। कंस का, नहीं नहीं महाराज, ये मेरा भाणज है, भांजा है। दूसरी बात ये भी है कि ये तो पहला है, आठवां गर्भ मेरा काल है, इसे मैं क्यों मारूंगा, ले जाइए। जैसे छोड़ दिया तो कहते कि नारद जी आकर के उसकी मति को पलट दिए कि तुम क्या करते हो, और वो भ्रमित कर दिए। बोले नहीं, आठवां गर्भ मेरा काल है। बोले आठवां क्या थी, आठवां पहले से, दूसरे से, अंत से, मध्य से, कहां से, भ्रमा दिया। जा करके फिर से उस बच्चे को यूं पत्थर पर पटका और बच्चे की मृत्यु हो गई। देवकी की बेचारी रोती रह गई। ऐसे ही दो तीन चार पांच छह बच्चों को मारा। सातवें गर्भ के रूप में भगवान ने शेष अवतार लखनलाल जी से कहा कि भाई, आपने पूर्व जन्म में अवतार में हमारी बहुत सेवा की, बहुत सारी इच्छाएं आपकी रह गई थी कि मैं यदि बड़ा होता तो राम जी को यह फैसला नहीं लेने देता, इस बार आप बड़े हो जाइए और हमारी सेवा को स्वीकार करिए। प्रभु ने बड़प्पन दिया है और शेष अवतार लक्ष्मण ही बलराम बन करके सातवें गर्भ के रूप में आए। भगवान ने सातवें गर्भ को ट्रांसफर किया, ट्रांसप्लांट किया, किसमें, रोहिणी में। माया से कहा कि भाई, योग माया से तुम्हें जाओ और सातवें गर्भ को रोहिणी में अर्पित करो। योग माया ने कहा मुझे क्या मिलेगा, बोले मिलेगा। आठवें गर्भ के रूप में योग माया से कहा कि तुम आप गोकुल में नंद रानी यशोदा मैया के गर्भ में जाओ और मैं देवी की माता के गर्भ में, आपका कलयुग में बिंदिवासिनी नाम से आपका प्रचार होगा, लोग आपके दर्शन करेंगे। और योग माया यशोदा मैया के गर्भ में आती है, भगवान गर्भगृह में आकर दर्शन देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय है। देवताओं ने प्रार्थना करी, पुष्प बरसाए। भगवान ने देवताओं को संकेत दिया, अभी आवाज नहीं करना। माँ माँ के गर्भ में पधारे हैं भगवान। एक महीना गया, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, और बरसात ऋतु आई, आषाढ़ में घन घमंड मेघ गर्जने लगा आकाश में। आषाढ़ूचारम मेघमलारम बणिबहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़ित तरालम विस्तारम। लालय संबारम प्यास अपारम नंद कुमारम राधे प्यारी मैं चारत चातक की तो
कंठ बुना धड़क धड़क कड़क कड़क कण कण कड़क धड़क नभ होत कड़क धमन धमन सब शिखर सजे रिम जिम बरसत बरखा गरर गरर भोर आषाढ़ निकला है, सावन आ गया है, सावन में भी खूब वर्षा होती है। सावन जल बरसे सुंदर सरसे बादल बरसे अंबर से अंबर से अंबर से परवर गिरियर से लता घर से नदिया बरसे सागर से दंपति दुख बरसे सेज सवन से भैगर जे दुख कारी दुख कारी कहरा दे मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे मां गोकुल आवो गिरधारी। भगवान के आगमन की सूचना हुई, भाद्रपद का महीना आया और कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि आई। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अष्टमी तिथि जहाँ आई और पूरा पूरी प्रकृति हरी भरी और प्रसन्न, यमुना बहुत वेग से बह रही है, धरा गगन सब आश्चर्यचकित है, सबको भगवान के आगमन की प्रतीक्षा है। आकाश में देवता नगाड़े ले लेकर खड़े, भगवान आए और हम स्वागत गान करें। हर तरफ दिन पूरा निकल गया और मध्य रात्रि जहां आई, भगवान ने गर्भगृह में दर्शन दिया, हाथ में हस्त, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्धारी चतुर्भुजधारी भगवान प्रकट हुए। बोले चतुर्भुज भगवान की जय हो। मां को दर्शन दिया, मां मां ने साष्टांग प्रणाम किया दोनों ने। नहीं मां, आप प्रणाम ना करें। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु यहां तो बहुत दुखदाई है। कहा चिंता ना करो, हमने प्रबंध कर दिया है, आप हमें लेकर के एक गलिये में लेकर किसी तरह से गोकुल में नंद राय के घर पहुंचा देना, वहां योग माया ने जन्म लिया है, उसे लेकर यहां आ जाना। और भगवान वापस अंतर्धान हुए, गर्भगृह में भगवान का प्राकट्य, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। भगवान जब प्रकट हुए, माता देवकी ने बहुत लाड़ लड़ाया, दूध पिलाया है, बार बार चुंबन करती है, छाती से लगाती है, और वसुदेव जी ने उसको सिर में लिया। जैसे सिर पर भगवान को रखा, हाथ की हथकड़ियां पैर की बेड़ियां खुल गई और आगे बढ़े, दरवाजे खुलते चले गए, सारे सैनिक सो गए, आगे बढ़े, यमुना जी उछाल करके बह रही है। लेकिन जाना निश्चित है, भगवान ने कहा है तो क्या बिगड़ेगा। जैसे ही यमुना में प्रवेश किया है, यमुना और बढ़ती जा रही है, भगवान ने अपना पैर बाहर किया, यमुना महारानी ने रास्ता दे दिया है। बोले यमुना महारानी की जय हो। आकाश बादल गरजने लगा, वर्षा होने लगी। भगवान के नित्य सेवक नित्य पार्षद शेष अवतार प्रभु ने छाया किया है और शेष अवतार प्रभु के साथ लेकर के वसुदेव जी आ रहे हैं गोकुल गांव में। और आकर के भगवान को रखा है यशोदा जी के बगल में और योग माया को हाथ में लिया है और माथे पे लेकर वसुदेव जी वापस यमुना पार मथुरा के नगरी में प्रवेश किए।
बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की जय। स्वागत करो, स्वागतम 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 कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा